हिमांशु संजय हमारे साथ कैमरा पर्सन है, जरा दिखाइए यहाँ पर माहौल किस तरह से है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, दूर दूर से अस्सी घाट पर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। अस्सी घाट पूरी तरह से सज चुका है गंगा आरती के लिए। महादेव की और माँ गंगा की आरती बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा भीड़, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन ये सारे लोग एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पास पाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके सांसद उनके बीच में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज जिस तरह से उद्घाटन हुआ है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश समूचे काशी तक पहुंचा है, उसका अपना अलग ही महत्व है और काशी वासियों में इस समय अलग ही जोश है। लोगों से बातचीत करते हैं, खुश हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महादेव जो चाहते हैं वही होता है काशी में। बहुत खुश है मैडम, मैं यहाँ 2011 से हूँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और 2011 से मतलब 2014 से जैसे पैराडाइम शिफ्ट जो होता है वो हुआ है वाराणसी में। यहाँ पर ऐसा हो गया है, आप मुख्यमंत्री के शहर से आए हैं, बताइए यहाँ पर चेंज आया है बहुत बड़ा? मैडम 2016 के बाद से बनारस जितना बदला है कि आज पूरा विश्व देख रहा है। जब हम लोग 2016 में यहाँ पे आए थे बनारस में, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, तब ये इतना बुरा हाल था यहाँ पे रोड का, कहीं आपको ढंग की लाइट नहीं मिलती थी। आज की डेट में आपको रोड लाइट और हर तरह की। और यहाँ पर बता दें कि बनारस के न जाने कितने ऐसे घर हैं जो इस समय जगमग हो रहे हैं, रोशनी लड़ियां लगाई गई हैं, लोगों ने खुद से ही लड़ियां अपने घरों के बाहर लगा दी हैं ताकि एक अलग रौनक और आज के दिन एक दिव्य दिवाली जैसी तस्वीर भी काशी में दिखाई दे रही है। आप बताए खुश हैं आप लोग? बहुत मैम अधिक खुश है क्योंकि आज विश्व स्तर पे हमारे बनारस को देखा जा रहा है। नमः पते पार्वती हर हर महादेव। हर दूसरी बात पर यहाँ पर महादेव का नाम लिया जाता है। विकास हुआ है काशी का? बहुत अच्छा सुना है, बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा है, साफ सफाई नजर आ रही है साफ। मैम बनारस जो है प्राचीन प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है क्योंकि हमारे गंगा के स्वच्छ जल के लहरों के तट पर बसती है, दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बताइए विकास? बिल्कुल विकास हुआ है, काशी ज्ञान और मोक्ष की नगरी कही जाती है। गंगा दर्शन मात्रेण निष्पापो जायते न रह, गंगा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर यहाँ आज की डुबकी लगाए हैं, ये सौभाग्य की बात है। पहले हम लोग क्या करते थे, प्रधानमंत्री जब डुबकी लगा रहे थे तो मन में क्या आ रहा था? पूरा भगवा पहने हुए प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हुए, कई बार डुबकी लगाई और चारों दिशाओं की परिक्रमा। ये नवयुवकों को एक प्रेरणा है, नवयुवकों की एक प्रेरणा है जो गंगा माँ में कचरा पी देते हैं, सिगरेट फेंके फेंक देते हैं, गुटके बीड़ी फेंक रहे हैं, खुद से गलती करते हैं, वो नहाना नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीखे, प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत है। यस मैम, आज उन्होंने आगे स्नान किया, आज हमारे और हम लोग भगवान पे जब शिव जी पे जल चढ़ाने जाते थे तो हम जल नहीं चढ़ा पाते थे। कॉरिडोर के उद्घाटन से आज कोई भी जल लेगा तो जाके बाबा के सिर पे जाके डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, इतना हम लोग को। ललिता घाट से जल लेंगे और सीधे भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। काशी का विकास हुआ है, पीएम काम गिना रहे थे। 2016 से अब तक जो विकास हुआ है और किसी ने नहीं कर सकता, तो मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है और मोदी है तभी मुमकिन है। यस, मोदी है योगी, यदि ये उत्तर प्रदेश में योगी हैं। दोनों लोगों की जोड़ी ने कमाल किया है। जोड़ी बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की है। एक बार फिर से जरा माहौल दिखा दिया जाए, हिमांशु दिखाएंगे आपको तस्वीरें, आप देखिए कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गंगा आरती की बस शुरुआत ही होने वाली है और यकीनन ये भीड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आई है। इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे युवा भी हैं, जोर से लबरेज सारे के सारे लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। काशी की भव्यता को, जिसके स्वरूप को प्रधानमंत्री ने आज खुद कहा कि किस तरह से आक्रमणकारियों आतताइयों की ओर से बार बार इस नगर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा ये काशी और ज्यादा भव्य होती गई। और यकीनन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से बनकर तैयार हुआ है, हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट भी बनने की प्रोसेस की दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस तरह से भगवान शिव पर अगर गंगा जल डालेंगे तो वो गंगा जल सीधे आकर भगवान शिव के पास से सीधे आकर गंगा में प्रवाहित हो जाएगा। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, वहां पर 50,000 से 60,000 लोग एक बार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाकर दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। उस तरह की साज सज्जा और वहां पर व्यवस्था की गई है जिसका इंतजार यकीनन काशीवासियों को काफी दिनों से रहा होगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, पीछे बताइए काम हुआ है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा काम हुआ है मैम, जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ही अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? मैं
सोनभद्र से आया हूँ। मैं काम हुआ है लेकिन छात्रों को हर बात के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है, ये भी गलत है। उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए, छात्रों के लिए भी काम होना चाहिए। आपने आपने जो काशी की चित्र दिखाई है, आप चित्र त्रिपाठी जो आपने काशी की चित्र दिखाई है वो सब लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने जो यहाँ बदला है और योगी जी ने, दोनों की जोड़ी बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पे जो काम हो रहा है विकास आप देख रही है, गंगा आप अयोध्या से, अयोध्या से मैम, अयोध्या भी बदल रही है। यस मैम, यस बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को। मिर्जापुर से छात्रों के लिए भी ऐसा हुआ कि पूरे जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बना है, ये मोदी का ही देन है। अगर मोदी है तो ही मुमकिन है, जो टेट तो ही मुमकिन है। टेट का पेपर दोनों है, मोदी और योगी दोनों की जोड़ी है। इतनी डबल इंजन की सरकार काम तो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम बनारस की वजह से हमारे यहाँ संस्कृति और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हमारे यहाँ जो संस्कृति का अब लोगों में अभी नए लोग जो हो रहे हैं अब उनके अंदर अपनी अपनी संस्कृति को भी लेके और डेवलपमेंट को लेके दोनों बहुत अच्छे से अब बढ़ रहा है। और लोगों में अब और जोश आ रहा है कि हम काम भी जोश आ रहा है। आराम से एक एक करके थोड़ा थोड़ी जगह दीजिए, कैमरामैन को थोड़ी जगह दीजिए, वो काम कैसे करेंगे। मुझे पता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ी जगह दीजिए, आराम से। मैडम मैं कानपुर से आया हूँ, मैं सुजीत गोस्वामी हूँ। यहाँ की सुंदरता और भव्यता इतनी अच्छी लगी कि हमारा मन नहीं माना और मैं कानपुर से चलकर काशी में आया हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यस मैम, और जिसके बात हो गई वो पीछे जाए। जिस तरीके से हमारे वैदिक परंपरा पे काम हो रहा है उस तरीके से आज हमारे भारत में संस्कृत के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हर हर महादेव। और पीछे के लोगों को भी मौका दीजिए, थोड़ा पीछे के लोग भी अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाएं। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल काशी में काम हुआ है, बिल्कुल वास्तविक काम हुआ है। कलयुग में काम नहीं होता था, अब हम देखते थे किस तरह से गंदगी पड़ी रहती थी, किनारे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने भी आज 3 संकल्प मांगे हैं लोगों से। 3 संकल्प आज उन्होंने फिर मांगे वापस से। काशी को भव्य और दिव्य कहा गया है, लोग हर हर महादेव कहते थे, हर हर मोदी कहने लगे। क्यों कहने लगे, बिना विकास के थोड़ी कोई कहेगा। भगवान का दर्जा, मतलब हर हर मोदी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने विकास के दर्जा को दिया है, क्योंकि भव्य दिव्य काशी को बनाने के लिए संपूर्ण उन्होंने योगदान किया है। जो काशी चाहिए थी आज मानो स्वर्ग जैसा काशी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं स्वर्ग में आए हैं। इस प्रकार से काशी कभी नहीं इतनी ज्यादा बदल गई है। स्वर्ग डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है काशी में, मोदी के कारण ही बनारस को जाने जाना लगा है। अच्छा, बनारस का कायाकल्प किया है। यस मैम, बहुत ही पहले यहाँ पे गंदगी रहती थी लेकिन अब साफ सफाई बहुत ही अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे हर घाट पे घूमने लायक हो गया है, पहले तो इतने गंदगी थी कि कोई घूमने भी नहीं आ सकता था। चलिए अपने मेहमानों के पास जाएंगे, एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा चारों तरफ। हिमांशु, चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि अब गंगा आरती की भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर के बाद गंगा मैया की आरती की जाएगी और उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। कुछ और लोग, लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई आप? यही मैम, बनारस से। बनारस से कायाकल्प हुआ है, बदली है काशी? हाँ, बहुत बदली है मैम, बहुत ज्यादा काम हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा क्लीन हुआ है बनारस। क्या चेंज हुआ है, क्या बताएंगे आप? पहले घाट बहुत ज्यादा गंदे रहते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है। सिर्फ घाट ही नहीं, यहाँ तक पूरा बनारस के एरिया क्लीन किए गए हैं। अच्छा, पूरा बनारस। ये सेल्फी वाला भी अपना अलग ही है, चलता रहता है।